नए साल की तैयारियों में जुटे नवी मुंबई के लोगों का नया साल मनाने का अंदाज कुछ देखते ही बनता है, लेकिन हमेशा इस जोश का अंदाज दुर्घटनाओं में परिवर्तित होने में भी देरी नहीं लगती। इसी हेतु 31 दिसंबर की रात शहर के मुख्य रस्तों पर और पाम्पिश रोड पर पुलिस की ओर से कड़े बंदोबस्त किए गए थे, जहां करीबन 164 लोगों को शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के बारे में बताते हुए नवी मुंबई यातायात विभाग के उपायुक्त विजय पाटिल ने कहा, अपन 24 तारखेपासून ड्रिंक एंड ड्राइव का विशेष ड्राइव घेण्यात आला होता आणि 28 तारखेपर्यंत सुमारे 150 लोकांवर आपण त्याच्यावर कारवाई केली होती, परंतु 31 रात्री खूप मोठ्या प्रमाणात हाच ड्राइव अनेक ठिकाणी घेण्यात आला। आपण 16 पॉइंट्स त्याच्यासाठी आयडेंटिफाई केले होते आणि ह्या 16 पॉइंट्स मध्ये फक्त 31 रात्री 164 लोकांवर आपण ड्रिंक एंड ड्राइवची कारवाई केलेली होती आणि ह्या सर्व लोकांना आज आपण कोर्टात हजर करणार आहोत आणि माननीय कोर्ट त्यांना 2000 ते 5000 किंवा त्यापेक्षाही जास्त त्यांना फाईन होणार आहे। पुलिस की इस कार्रवाई में पकड़े गए लोगों को सीबीडी कोर्ट में हाजिर किया जाएगा, जहां उन पर दंडात्मक कार्रवाई की गई। कैमरामैन गोविंद सिंह के साथ स्वप्नाली देसाई की रिपोर्ट।